जिला कारागार और रिजर्व पुलिस लाइन में भी भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया गया। किस तरीके की तस्वीरें रही और जिला प्रशासन की ओर से क्या क्या किया गया, आइए आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यह तस्वीरें पुलिस लाइन की तस्वीरें हैं। बता दें कि प्रतिवर्ष रिजर्व पुलिस लाइन में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भव्य रूप देते हुए मनाया जाता है। यहां कई विभिन्न आयोजन भी किए जाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिला अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के साथ अपर पुलिस अधीक्षक सिटी राहुल मिठास उनके परिवारजनों की मौजूदगी दिखाई दे रही है। और यहां रिजर्व पुलिस लाइन में स्थित भगवान श्री कृष्ण मंदिर के पास सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पुलिसकर्मियों के बच्चों की ओर से एक से एक बढ़कर एक प्रस्तुति दी जा रही है। कार्यक्रम की शुरुआत शाम 8 बजे से कर दी गई थी, जो लगातार जारी रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक से एक बढ़कर एक बेहतर प्रोग्राम यहां बच्चों की ओर से किया जा रहा है। वहीं देर रात 12 बजे तक लगातार यहां कार्यक्रमों का दौर चलता रहा और जैसे ही 12 बजे वैसे ही पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार की ओर से मंदिर के कपाट खोल दिए गए। शंख की शंखनाद गूंजने लगी और सभी जय श्री कृष्ण के नारे लगाने लगे। नंद के आनंद हो, जय कन्हैया लाल की, ऐसी जयकारे सुनाई देने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण जन्म होते ही पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की, उनके साथ उनकी पत्नी, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक सिटी राहुल मिठास ने भी उनकी पत्नी और बच्चों के साथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ वैसे ही पूरी पुलिस लाइन कृष्णमयी होती दिखाई दी। चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही थी। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको जिला कारागार की दिखा रहे हैं। जिला कारागार को भी भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दुल्हन की तरह सजाया गया था, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ भी एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण जन्म समय तक लगातार जारी रहा।